Namaste. Today we'll briefly discuss about the kinds of divorce that are there in Muslim personal law in India. Triple talaq is doing the rounds in media because the government is trying to do something about it, or rather the mode of giving triple talaq, which is the instant triple talaq. We're going to talk about that. We're going to talk about a lot of different kinds of divorces that are there in the Muslim personal laws that are in India. Sabse pehle samajhte hain talaq shabd ka matlab kya hai. It's an Arabic word which means to release, yani koi bondage hai ya koi contract hai ya shadi se release. Talaq means to release. The Prophet jo saab the, Prophet Muhammad saab, they discouraged and disapproved of this practice of divorce. He said that it was only to be used under exceptional circumstances jisme couple ek dusre ki shakal bhi nahi dekhna chahta. और कंडीशंस जो हैं डिवोर्स की, दे वेरी अंडर शिया एंड सुन्नी लॉ. ये जो वर्ड है तलाक, ये इसको अगर उर्दू में कहें तो शैतान की साइड में इसको गिना जाता है कि ये दिस इज़ एन ईवल वर्ड, सो नॉट टू बी प्रोनाउंस्ड वेरी ऑफन एज पर द हदीथ्स ऑफ द कुरान. अब आइए इस चार्ट को कंसिडर कीजिए. सो डिवोर्स कैन बी गिवन बाय द हस्बैंड बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय द वाइफ. हस्बैंड तीन टाइप के डिवोर्स दे सकते हैं. तलाक एक है, इल्ला एक है, जहर. मेरी प्रोनाउंसिएशंस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं बिकॉज दीज आर अरबिक वर्ड्स. यू कैन लुक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ दी ऑन द इंटरनेट, इवन दो आई हैव आल्सो ट्राइड लुकिंग देम अप, बट आई कुडंट रियली फाइंड एनी कंक्लूसिव प्रोनाउंसिएशंस. बैक टू द पॉइंट, इल्ला एंड जहर आर नॉट प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, सो वी नॉट गोइंग टू गो इन दोज डिटेल्स. तलाक जो होता है, तलाक इज ऑफ टू टाइप्स, which is talaq ul sunnat, which is revocable, talaq ul biddat, which is irrevocable. Talaq ul sunnat revocable isliye kyunki beech mein thoda sa time period hota hai. Talaq ul biddat instant, jiske piche aajkal sarkar padi hui hai. To triple talaq jo hai wo talaq ul biddat ke andar aata hai, jaisa ki aap yahan dekh sakte hain. Talaq ul sunnat aage do type ka hota hai. Ek hai ahsan, which is most proper, aur dusra hai hasan, which is proper. To मोस्ट प्रॉपर जो है वो हसन, इट्स प्रेफर्ड मोड, जैसा कि प्रॉफिट साहब कहकर गए थे. और हसन जो है दैट्स प्रॉपर एक्सेप्टेबल, मतलब पूरे नंबर तो नहीं है लेकिन चलिए कोई भी नहीं, 100 में से 80 तो आ ही रहे हैं. और एक होता है रिटन डिवोर्स, विच इज़ अगेन पार्ट ऑफ तलाकुल बिद्दत, नॉट सुन्नत. ठीक है, बाय म्यूचुअल कंसेंट को इसमें कैटेगरी जो में आती है उसमें है कि खुला और मुबारक, नॉट मुबारक, इट्स मुबारक. और वाइफ जो है वो दे सकती है तलाक तावीज. और इस सब के अलावा आप जा सकते हैं कोर्ट, विच इज़ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर ले सकते हैं डिवोर्स अंडर लियान एंड फस्क. राइट, नाउ लेट अस कंसिडर व्हाट दीज आर. एक्चुअली तलाक उल सुन्नत इज़ द मोस्ट प्रॉपर, इट्स बेस्ड ऑन सुन्ना, दैट इज़ वाई द वर्ड सुन्नत इज़ देयर, ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट. फैक्टर्स इन कॉम्प्रोमाइज, मतलब शादी ना टूटे इसमें टाइम देता है कि भाई एक बार तो तलाक बोल दिया, या अभी तो तलाक का विचार आया, गुस्से में आप तलाक देना चाहते हैं तो थोड़ा शांत हो जाइए, इसको कंसिडर कीजिए. अहसन इज़ द बेस्ट, सो तलाक उसमें एक आप प्रोनाउन सिर्फ एक बार करेंगे तलाक को. देन द वाइफ अंडरगोज अ पीरियड ऑफ एन इद्दत ऑफ 3 मंथली पीरियड्स रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ मेंजुरेशन. तो इद्दत इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन आप समझिए कि इद्दत इज़ दैट पीरियड विच अ वुमन एक्सपीरियंसिस बिटवीन हर पीरियड्स. राइट, सो इट्स अ टाइम पीरियड जिसमें शी इज़ कंसिडर्ड एज प्योर एंड ड्यूरिंग हर पीरियड शी इज़ कंसिडर्ड एज इम्प्योर. नाउ आई नो फेमिनिस्ट एंड वेमेन राइट एक्टिविस्ट मे गो आफ्टर दिस, बट आई एम जस्ट कोटिंग वट एवर द लॉ सेज. तो अगर हस्बैंड फॉर एग्जांपल एक बार हस्बैंड ने तलाक बोल दिया अपनी बीवी को, देन शी अंडरगोज वन ऑफ अ पीरियड्स, देन द पीरियड एंड्स. अब जो पीरियड जो चल रहा है आफ्टर द पीरियड एंड्स, दिस इज द टाइम जो चल रहा है वेयर शी इज़ नॉट हैविंग अ पीरियड्स, अगर हस्बैंड ने जैसा कि यहाँ चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है तलाक कैंसिल कर दिया, तो तलाक इज़ कैंसिल, इट इज़ रिवोक्ड. दैट इज़ वाई इन द प्रीवियस स्लाइड it was said that this is a revocable talaq, right? Acha, agar for example women is pregnant, then obviously the periods are not going to happen, then iddat is still the delivery of the child, so you have a long amount of time to consider. And
if conjugal relations resume, that is sexual intercourse resumes, the talaq is automatically cancelled. Kisi ko kuch bolne ki zarurat nahi hai. Talaq hasan, it is the proper form. So hasan was most proper, talaq hasan is proper. This is repeated 3 times in successive tuhars. Tuhars is something like an iddat. Tuhar is period of purity, as I said before, between 2 menstrual cycles. If conjugal relations resume, that is if sexual intercourse resumes, the talaq is automatically cancelled. Now revocable till the 3rd time. Aapko isme kya karna hai? Talaq hasan mein 3 baar talaq bolna hai, but in successive periods when the woman is not having her periods. So in the successive time between the periods of the woman, right? और अगर आपने 3 बार बोल दिया तो उसके बाद ये इरिवोकेबल है. 3 बार 3 महीनों में ऑब्वियसली. अब आते हैं तलाकुल बिद्दत पे. बिद्दत इज द वर्ड इज मीन्स सिनफुल. नाउ दिस इज ओनली अंडर सुन्नी लॉ. शियाज डोंट रिकॉग्नाइज इट एज यूजुअल. तो नो टाइम फॉर रिकॉन्सिलिएशन. एंड देन आप सीधा सीधा तलाक 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 बोलते हैं और आपका काम हो जाता है. तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट जजमेंट दे दी है और लोकसभा में बिल पास कर दिया है. लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी राज्यसभा में पास नहीं हुआ है. तो जब तक राज्यसभा में पास हो के ये नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक कानून नहीं है. 3 साल की इन्होंने पनिशमेंट प्रपोज करी है इसके अंदर ये काम करने पे. तो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट और सरकार तो अगेंस्ट है ही तलाकुल बिद्दत के इस फॉर्मेट के ऊपर. अच्छा, अब आते हैं कि बीवी कब तलाक दे, जैसे औरत कब तलाक दे सकती है. तो तलाक तावीज़ इस डेलीगेटेड डिवोर्स. तो इस्लाम में हस्बैंड के पास काफ़ी अथॉरिटी दी गई है टू डिसॉल्व द मैरिज. उसमें से एक अथॉरिटी ये है कि वो किसी को अपना ये राइट टू डिसॉल्व द मैरिज डेलीगेट भी कर सकता है. तो हस्बैंड का ये जो राइट है टू डेलीगेट, फॉर एग्जांपल डेलीगेट कैसे करेगा कि अपने दोस्त को बोल देगा कि जाओ मेरी बीवी को बोलो कि उसने तलाक दे दी. तो ऐसा भी एक राइट है, बट वेरी पेक्यूलर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस. बट सो द वाइफ टेक्स ओवर दिस राइट एंड गिव्स इट बैक टू हिम कि मैंने आप ही का राइट आपको बोल रही हूँ कि मुझे तलाक चाहिए. तो ये तलाक तावीज़ होता है. तो वाइफ यूजेज द राइट दैट ही हैज़ टू गिव हर डिवोर्स, क्योंकि डेलीगेशन अलाउड है. डेलीगेशन मीन्स टू गिव और रादर टू पास ओवर द अथॉरिटी टू समबडी एल्स एंड देन प्रोनाउंसेस डिवोर्स अगेंस्ट हिम, राइट. अच्छा, अब आते हैं खुल्ला एंड मुबारक पे. खुल्ला एंड मुबारक इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट. सो खुल्ला में वाइफ ऑफर करती है, हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, और वाइफ इन मोस्ट केसेस रिटर्न्स द मेहर, जो कि एक डावर या एक अमाउंट डिसाइड होता है मुस्लिम मैरिज में एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो वापसी कर देती है हस्बैंड को. और खुल्ला में, खुल्ला का जो मतलब है वो इज़ टू ले डाउन. सो ले डाउन हस्बैंड्स राइट, एंड मुबारक इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट. दोनों कहते हैं कि हम आप एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, तो मुबारक में आप एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं. जुडिशल डिग्री में आप जाते हैं तो लियान एंड फस्क. तो लियान इज़ मैन अलेजेस एडल्ट्री. आदमी कहता है कि मेरी बीवी मेरे साथ फेथफुल नहीं है और प्रूव नहीं कर पाता. तो जो औरत है वो कोर्ट जाके कह सकती है कि इन्होंने ऐसी एलिगेशन मेरे पर लगाई, ना बेबुनियाद एलिगेशन थी, तो इस चक्कर में आप मेरी मैरिज आप डिसॉल्व कीजिए. वो आपको सूट फाइल करना पड़ता है. फर्स्ट में इशूज़ आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हस्बैंड, दैट इज़ ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म सेक्शुअल इंटरकोर्स, और देर इज़ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ऑल्सो, बट देन दैट इज़ एक्सट्रीमली very rarely used in India, so we are not going to go in that. So importance of husband and importance rather, and the wife again has to file a suit. So just going through briefly through the slide, you can actually pause this video and take a screenshot if you wish to. So husband, talaq, talaq ke do type, ul sunnat, ul biddat, and then hasan, hasan, and then triple talaq is under biddat. By mutual consent, it is khulla and mubarak, and wife can give talaq-e-tawiz, right? So hopefully it was clear, and thank you so much for watching.